डॉ बाबासाब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूईंग वेल I, Neelam Pandya, welcomes you all in a Chaitanya studio, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Open University. We are in the lecture series of BBAR course, paper code number 502, which is cost accounting, and today we are going to discuss block 4, unit 2, which is classification of budgets. So, let us start with the learning objective and introduction of classification of budget that how many types of uh, budgets in, uh, included in the types of budget. Uh, first of all we are uh, going to discuss the learning objective of this unit. So, in this learning objective uh, we are creating a savings plan to meet, uh, to meet a short and long term goals. Define and categorize the item as a needs or wants.

तो कितने कितने प्रकार के बजट्स मैंडेटरी है और उस पर से हमें आगे की जो फ्यूचर की कंडीशन है कंपनी की वो जानने के लिए उसमें मदद होती है तो आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन व्हाट इज बजट सो बजट इज नथिंग बट अ फ्यूचर प्लान ऑफ द एनी टाइप ऑफ कंपनी और फैक्ट्री विच विच गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो यहाँ पे लिखा है कि अब अकाउंटिंग प्लान इट इज फॉर्मल प्लान ऑफ एक्शन इन टर्म्स, इट बी सीन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसिस अंडर सर्टन एंटीसिपेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन इट इज क्वांटिफाइड प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज अ क्वॉंटिटेटिव ब्लू प्रिंट फॉर अ एक्शन मीन्स बजेट जो है वो प्रॉपर फ्यूचर प्लान है कि फ्यूचर में कंपनी को कितना प्रॉफिट करना है कितना प्रोडक्शन करना है कितने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है ये सारी चीजें बजट रिलेटेड है और किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स यूके विच सेज दैट Budget is a plan qualified in a monetary terms prepared and approved prior or to a defined for a period of time. Usually showing the planned income to be generated and expenditure to be occurred during the period and capital to be employed to attain the given objective. Ultimately, budget banane ka motive kya hai. Budget a manana. Chahiye? तो जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस पूरा गोल है उसने सेट किया है कि मुझे आफ्टर एंड ऑफ द ईयर इतने प्रोडक्शन मुझे इतना प्रोडक्शन करना है इतनी सेल करनी है इतना प्रॉफिट मार्जिन मुझे रखना है तो ये सारी चीजों के लिए ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बजट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आगे हम देखेंगे व्हाट इज बजट तो अगर बजट की हम बात करें तो हमने आगे डेफिनेशन में देखा कि बजट इज द फ्यूचर प्लान फॉर एनी एक्टिविटीज टू गेन अ पर्टिकुलर प्रॉफिट सो अगर हम टाइम की तरह बात करें अकॉर्डिंग टू टाइम कितने टाइप्स के बजट है तो शॉर्ट टर्म बजट है लॉन्ग टर्म बजट है करंट बजट है एंड रोलिंग बजट है जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजे अकॉर्डिंग टू टाइम तो शॉर्ट टर्म बजे लॉन्ग टर्म बजे करंट बजे एंड रोलिंग बजट एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सीबिलिटी तो फ्लैक्सीबिलिटी के तरह से दो टाइप के बजट है एक तो फिक्स बजट है और दूसरा है फ्लेक्सीबल बजट और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन according to function, how many types of budgets are available? so, that there are 11 types of budget according to function. first, which is a sales budget. second, which is a production budget. third, which is a production cost budget. fourth, which is a raw material budget. fifth, which is a purchase budget. sixth, which is a labor budget. seventh, which is a production overhead, overhead budget. selling and distribution budget. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट एंड लास्ट इज अ कैश बजे तो दिस टाइप ऑफ बजे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन तो वन बाय हम, वन बाय वन सारे बजट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम अकोर्डिंग टू टाइम देर आर अ फोर ऑफ बजे अवेलेबल फर्स्ट विच इज अ लॉन्ग टर्म बजे

पांच साल तक जो बजट बनाया जाता है उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म बजट। थर्ड विच इज अ करंट बजट करंट बजट डिजाइन फॉर फॉर अ वेरी शॉर्ट, लाइक अ मंथ एंड फॉर अ क्वार्टर जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाता है एटलीस्ट फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर क्वार्टर मींस फॉर अ थ्री मंथ एंड जो रोलिंग बजट है रोलिंग बजट को हम प्रोग्रेसिव बजट भी कह सकते हैं Uh, जो कि रोलिंग बहुत सारी कंपनियां है जो अभी uh, मतलब पूरा ध्यान रखने के लिए कि कंपनी किस कंडीशन में है या फिर बिजनेस एनवायरमेंट जो भी कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है तो कंपनी का जो लेटेस्ट बिजनेस एनवायरमेंट है मार्केट में जो करंट सिचुएशन है उससे फॉलो करते हुए रोलिंग बजट का, काफी सारी कंपनीज अभी उसे फॉलो कर रही है तो रोलिंग बजट और प्रोग्रेसिव बजट क्या है तो रोलिंग बजट इज फॉलो फॉर प्रीपेड फॉर द एंड ऑफ द मंथ और क्वार्टर फॉर द फुल ईयर अहेड कॉन्स्टेंट इसका मीनिंग क्या है कि रोलिंग बजट जो है वो कंपनियां हर महीने बनाती है मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ Uh, फिर से प्रोग्रेसिव बजट वो बनाना स्टार्ट कर देती है इसीलिए इसी उसका जो नाम है रोलिंग बजट वो रोल करता रहता है वो ईच मंथ या ईच क्वार्टर वो जब भी क्वार्टर खत्म होता है फिर से वो रोलिंग बजट हम बना देते हैं कंपनी बना देती है तो इसीलिए उसे रोलिंग बजट या प्रोग्रेसिव बजट कहा जाता है अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी तो अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट फर्स्ट इज इज अ अ बजट सेकंड फ्लेक्सिबल बजट तो बजट क्या है फिक्स बजट प्रिपेर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और द फिक्स लेवल एक्टिविटी इट डज नॉट चेंज विद द एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन सपोज कंपनी प्रोडक्शन कर रही है अभी वन थाउजेंड यूनिट के लिए राइट right, मार्केट की कंडीशन जो है मार्केट एनवायरमेंट को एनालिसिस करके कंपनी ने मतलब डिसाइड किया कि 1000 प्रोडक्ट्स 1000 यूनिट्स मुझे प्रोडक्शन करना है तो अगर कंपनी ने फिक्स बजट बनाया तो फिक्स बजट बनाने से कंपनी जो है उसका बजट रिजिड हो जाएगा स्टैटिक हो जाएगा कि कंपनी ने बस मान लिया कि मुझे वन यूनिट ही प्रोडक्शन करना है वो चेंज नहीं होगा Uh, जब हम वन थाउजेंड यूनिट से लेके अगर ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट पे जाएंगे स्विच करेंगे कि अभी मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से वन uh, थाउजेंड नहीं बट ट्वेल्व हंड्रेड का प्रोडक्शन करना है बट तभी भी अगर जो कंपनी फिक्स बजट को फॉलो कर रही होगी तो इट डज नॉट चेंज विद द एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी तो उस टाइम पे अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है फिर भी uh, जो फिक्स बजट है वो चेंज नहीं होता है तो फिक्स बजट इज वेरी रिजिड बजट एंड दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट तो फ्लेक्सिबल बजट इज डिजाइन इन अ मैनर हु हैज टू गिव द बजेटेड कॉस्ट एंड एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल्स बजट तो जो फ्लेक्सीबिलिटी बजट है वो जो है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ में चेंज होता रहता है वो एकदम डायनेमिक बजट है वो मार्केट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट सीनारियो के हिसाब से वो चेंज होता रहता है फ्लेक्सिबल है इसीलिए उसका देखो ये जो बजट्स के जैसे नाम दिए हैं, वो नाम में ही उनका मतलब है उनका मीनिंग है वो ही जस्टिफाई होता है जैसे हमने अकॉर्डिंग टू टाइम देखा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फिर करंट बजट फिर प्रोग्रेसिव बजट तो ये सारे जो नाम है उसमें ही उसका मीनिंग जो है वो अंदर आ जाता है तो अगर आप देखने जाओ तो जैसा नाम वैसे ही एक्शन है वैसा ही फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू टाइम में भी वैसा है कि शॉर्ट टाइम में बिटवीन वन टू फाइव इयर्स लॉन्ग टर्म में फाइव टू टेन इयर्स और मोर एंड करंट सीनारी करंट बजट तो वो है फॉर अ मंथ और फॉर अ क्वार्टर रोलिंग बजट में भी सेम है कि वो रोल होता रहता है एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर तो फिक्स बजट में ही वैसा है फिक्स मीन्स रिजिड कि एक बार वो बन गया फिर वो चेंज नहीं होगा फ्लेक्सिबल बजट तो फ्लेक्सिबल बजट में भी वैसा ही है कि अकॉर्डिंग टू करंट सिनारियो कंपनी की अगर पॉलिसी चेंज हो जाए कंपनी का मार्केट एनालिसिस चेंज हो जाए तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल बजट में भी चेंज होता रहता है तो ये है इट्स ऑल अबाउट फिक्स एंड फ्लैक्सिबल बजट नाउ हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बजेट अकॉर्डिंग टू फंक्शन तो देर आर इलेवन टाइप्स ऑफ बजे फर्स्ट विच इज अल्स बजे सेकेंड प्रोडक्शन बजे प्रोडक्शन कॉस्ट बजे रॉ मटेरियल बजे परचेज बजे लेबर बजे प्रोडक्शन ओवरहेड बजेट ओवरहेड मींस ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजेट एंड कैश बजट सो दिस ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट बजट अकॉर्डिंग टू फंक्शन सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे uh, सबसे पहले आएगा सेल्स बजट तो जो सेल्स बजट है वो सबसे डिफिकल्ट बजट है और वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है और वो बनाना बहुत डिफिकल्ट भी है अगर आपको आपने बोला की एग्जाम स्टूडेंट uh, बोलेंगे कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है बट डिफिकल्ट है बट एग्जाम इंपॉर्टेंट भी तो है हमारे फ्यूचर के लिए तो वैसे ही कोई भी कंपनी के लिए सेल्स बजट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल्स के आ, सेल्स बजट बनाने से ही कंपनी को पता चलेगा कि मुझे ये साल में या नेक्स्ट ईयर में मुझे कितना सेल करना है मेरी कंपनी को कितना आगे ले जाना है कितना मुझे प्रोडक्शन करना है प्रोडक्शन में जितना सेल्स यूनिट में डिटरमाइन करूंगा उतना ही तो प्रोडक्शन कर पाऊंगा राइट right?

प्रोडक्शन बजट जो है वो भी सेल्स बजट पे ही डिपेंड है तो अगर सेल्स बजट प्रॉपर नहीं बनाया होगा सेल्स के यूनिट का प्रोडक्शन कितना करना है ये प्रॉपर प्रॉपर वे में अज्यूम नहीं किया गया होगा तो क्या होगा कंपनी को आगे के बजट बनाने में प्रॉब्लम आ सकता है तो सेल्स बजट बनाने के लिए बहुत सारा फोकस चाहिए प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही जो एक्सपर्टाइज करके सेल्स के यूनिट कितने रखने हैं ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के सेल्स बजट बनाना पड़ता है तो इन डिटेल सेल्स बजट क्या है तो सेल्स बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्लांट सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू सेल्स की क्वांटिटी कितनी रखनी है कितने यूनिट का सेल हमें करना है और इन अ वैल्यू इन अ टर्म्स इन अ मॉनिटरी टर्म्स कि कितनी कॉस्ट लगने वाली है सेल्स करने के लिए तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के सेल्स बजट बनाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट बजट टू प्रिपेयर जैसे मैंने डिस्कस किया कि सबसे कोई भी कंपनी के लिए सेल्स बजट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स बजट बनाने पे ही पूरा जो है कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की आगे की ग्रोथ वो सारा सेल्स पे ही डिपेंड है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट है और डिफिकल्ट टू प्रिपेयर डिफिकल्टी इसलिए है बिकॉज सेल्स को डिटरमाइन करना क्योंकि कस्टमर की डिमांड बहुत अलग अलग होती है जैसे आपको पता होगा कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बट वो ही सेम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरी कंपनी भी करेगी राइट right. तो हमें कस्टमर की डिमांड को पहचानना है करंट करंट सिनारियो को पहचानना है करंट बिजनेस एनवायरमेंट क्या है करंट ट्रेंड क्या है कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है कस्टमर किस किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही हमें सेल्स बजट का प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी के जो पूरा एनालिसिस करने के बाद सेल्स बजट बनाना चाहिए इफ द सेल्स बजट बजट इज इफ इफ द द सेल्स सेल्स एंड फिगर आर सेक्ट देन प्रैक्टिकली ऑल अदर बजट विल बी अफेक्टेड क्योंकि अल, अलग अलग तरह के जो बजट्स है हमने इलेवन बजट्स देंगे देखे तो वो सारे बजट सेल्स बजट पे ही निर्भर है तो अगर सेल्स बजट बनाने में कोई मिस्टेक हुई तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे बजट पे उसकी इम्पैक्ट होगी तो इफ द सेल्स बजट एंड सेल्स फिगर इज इनकरेक्ट, करेक्ट देन दैट अल्टीमेटली क्या होगा तो ऑल अदर बजट विल बी अफेक्टेड Difficultly difficulty arise because it is a not easy to estimate. द कंज्यूमर डिमांड पर्टिकुलरली अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस जैसे मैंने डिस्कस किया कि कस्टमर की डिमांड क्या है कस्टमर का टेस्ट क्या है कस्टमर किस तरह की प्रोडक्ट चाहता है तो ये सारी चीजें अगर आप आपने एनालिसिस की होगी तो सेल्स करने सेल्स के प्रोडक्शन में मतलब सेल्स यूनिट अज्यूम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी स्पेशली न्यू प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उस टाइम पे बहुत ही दिक्कत होती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि उस तरह के अगर कॉस्मेटिक ब्रांड्स की हम बात करें तो देर आर सो मेनी कॉस्मेटिक ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट लैक्मी एंड वॉट अदर ब्रांड्स तो अभी जो नई ब्रांड आई है शुगर शुगर करके कॉस्मेटिक ब्रांड है तो अगर उसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पूरा जो है कंज्यूमर डिमांड को पूरा एनालिसिस करना पड़ता है मार्केट एनालिसिस करो कस्टमर को किस तरह की प्रोडक्ट पसंद है ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अदरवाइज आपने 1000 यूनिट का सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर दिया तो 1000 यूनिट्स मार्केट में बिकने वाला है कि नहीं बिकने वाला है सेल होगा कि नहीं होगा ये सारे जो Uh, मतलब एस्पेक्ट्स है वो एस्पेक्ट को पूरा ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके रिसर्च करके ही न्यू न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके सेल करना चाहिए तो सेल्स अल्टीमेटली जो सेल्स बजट है वो वेरी सिंसियर बजट है आपको सिंसियरली उसे प्रिपेयर करना रहता है नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग अ सेल्स बजट तो सेल्स बजट को प्रिपेयर करने के लिए किस किस तरह के आ, आ, जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं तो एक तो है पास्ट सेल uh, पहले लास्ट ईयर का सेल कितना है लास्ट ईयर के सेल का फिगर्स कितना है कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया कितना सेल हुआ ये जो पूरा डेटा है पास्ट का उसका एनालिसिस करके ही नेक्स्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट सेल करना चाहिए रिपोर्ट बाय सेल्समैन सेल्समैन कौन है तो सेल्समैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मार्केट एनालिसिस करता है मार्केट में घूम के तुम्हारी प्रोडक्ट को सेल करता है होलसेल में या रिटेल में तो सेल्समैन जो है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट का पता होता है तो सेल्समैन पे सेल्समैन से भी आ, टाइमली उससे रिपोर्ट लेना चाहिए कि किस एरिया में या कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है कौन से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है नहीं होता है तो सेल्समैन के रिपोर्ट को भी जस्टिफाई करके सेल्स बजट बनाना चाहिए कंपनी कंडीशन कंपनी की कंडीशन देख के, के, के पास प्रॉपर मशीनरी है इक्विपमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपने मतलब मान लिया कि 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है बट कंपनी के पास प्रॉपर मशीनरी ही नहीं है तो कंपनी के पास अगर मशीनरी है लिमिटेड और प्रोडक्शन करना है ज्यादा तो नई मशीनरी हमें रेंट पे लेनी है कि परचेस करना है ये सारा हमें देख के कंपनी की कंडीशन कंपनी का सेटअप कंपनी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही सेल्स यूनिट का एजम्पन करना चाहिए बिजनेस कंडीशन कंपनी अभी कंपनी का स्टेटस क्या है बिजनेस ला रही है कि नहीं ला रही है प्रॉफिट में जा रही प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है कंपनी की कंडीशन बिजनेस कंडीशन को देख के सेल्स बजट बनाना चाहिए मार्केट एनालिसिस मार्केट एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट टू डिटरमाइन द सेल्स यूनिट एंड सेल्स बजट क्योंकि मार्केट एनालिसिस करने से ही आपको पता चलेगा अगर आप मार्केट में रिसर्च ही नहीं करोगे तो आपको करंट ट्रेंड के बारे में कैसे पता चलेगा तो मार्केट एनालिसिस प्रॉपर करने के बाद ही आपको सेल्स बजट प्रिपेयर करना चाहिए तो ये सारे सक्सेस स्टोरीज है अगर ये सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली ध्यान में रखा गया होगा तो कंपनी का जो ग्रोथ uh, है वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा और प्रॉपर कंपनी प्रॉफिट को गेन कर पाएगी नाउ सेकंड बजट इज अ प्रोडक्शन बजट सो प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिटेड प्रोडक्शन फॉर द बजट पीरियड यूजली प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड ऑन द सेल्स बजट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट द प्रोडक्शन मैनेजर विल द फिजिकल फैसिलिटीज लाइक अ प्लांट पावर फैक्ट्री स्पेस मटीरियल लेबर अवेलेबल फॉर द पीरियड सो प्रोडक्शन करने के लिए ये सेकेंड जो बजट है वो है प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन बजट करने के लिए कंपनी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के पास इनफ प्लांट है इनफ पावर है इनफ फैक्ट्री है इनफ स्पेस है इनफ मटेरियल है इनफ लेबर है तो ये सारा अवेलेबल है कि नहीं ये सारा ऑब्जर्व करके ही हमें प्रोडक्शन करना चाहिए तो प्रोडक्शन बजट भी अल्टीमेटली सेल्स बजट पे ही निर्भर है कि सेल्स हमें कितना करना है वन थाउजेंड यूनिट का सेल करना है तो उसके अनुसार हमें प्रोडक्शन करना चाहिए 1000 थाउजेंड अजम्पन किया है फॉर द सेल्स यूनिट अगर हमें 1000 यूनिट का सेल करना है तो 1000 या उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तभी हम 1000 थाउजेंड एटलीस्ट हम सेल कर पाएंगे तो प्रोडक्शन बजट जो है वो पूरा निर्भर है सेल्स बजट पे प्रोडक्शन बजट क्या है तो इन डिटेल प्लान ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ बजट तो प्रोडक्शन का पूरा प्लान कैसे प्रोडक्शन करना है कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है लिमिटेड रिसोर्सिस है या इनफ रिसोर्सिस है प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी के पास प्रॉपर रिसोर्सिस है कि नहीं है ये पूरा इवेल्यूशन प्रोडक्शन बजट में आता है प्रोडक्शन बजट इज अ इनिशियल स्टेप इन बजेटिंग प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देर आर थ्री टाइप ऑफ बजे रिलेटिंग टू मैन्युफेक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ कंपनी अब कंपनी का जो मैन्यूफेक्न कौन से बजट इफेक्ट करते हैं तो फर्स्ट तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन बजट के अलावा रॉ मटेरियल बजट लेबर बजट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड बजेट ये जो बजट है वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करते है ये जो बजट प्रॉपर बनाए होंगे तो प्रोडक्शन प्रॉपर होगा और प्रोडक्शन प्रॉपर होगा तो सेल प्रॉपर होगी राइट right? सो so, ये तीन बजट को हम डिटेल में आगे देखेंगे बट प्रोडक्शन बजट जो है वो अल्टीमेटली क्या है तो प्रोडक्शन बजट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू प्रोडक्शन फॉर द एनी कंपनी फैक्टर्स अफेक्ट फॉर प्रोडक्शन बजट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है सेल्स बजट जैन जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर सेल्स के यूनिट अगर हमें प्रॉपर सेल का एस्टिमेशन पता होगा कि फॉर द नेक्स्ट ईयर आई हैव टू सेल एटलीस्ट वन थाउजेंड यूनिट सो so, हमें सेल्स यूनिट पता हो गए तो उस पर से ही हम प्रोडक्शन कर पाएंगे तो प्रोडक्शन इज ऑल डिपेंड ऑन सेल्स बजट इन्वेंट्री पॉलिसीज कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसीज कंपनी के पास इनफ मटेरियल है कंपनी की इन्वेंट्री क्या है इन्वेंट्री का स्टॉक क्या है उसकी पॉलिसीज क्या है ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्शन बजट बनाने से पहले ध्यान में लेनी चाहिए प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपनी के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है प्लांट है पावर है मशीनरी है प्रॉपर uh, इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन पावर है मैन पावर भी तो होना चाहिए अगर कम लेबर होगा कम मैन पावर होगा तो कैसे हाँ आप प्रोडक्शन कर पाओगे राइट right? तो ये सारी चीजों का रिसर्च करने के बाद uh, आपको प्रोडक्शन बजट बनाना चाहिए मैनेजमेंट पॉलिसी कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट ऑथोरिटीज Uh, को भी बताना चाहिए कि uh, कौन सी टर्म्स है कौन सी कंडीशंस है तो कंडीशंस को फॉलो करके उसको ध्यान में रख के प्रोडक्शन बजट करना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो क्या है तो दिस बजट शोज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन बजट डेमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन Cost budget, जैसा, मैंने बताया कि जैसा नाम है जैसा बजट का नाम है वैसा ही उसका फंक्शन है यहाँ पे कॉस्ट वर्ड है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी अब प्रोडक्शन की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक तो रॉ मटेरियल पे फोकस करना हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो हम कच्चा माल कहते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना आएगा उसकी कॉस्ट कितनी लगने वाली है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कितने हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो गए लेबर मैन पावर कितना मैन पावर रखना है मैन पावर को कितना पेमेंट करना है तो लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी तो ये जो मटेरियल रॉ मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एक्सपेंस कॉस्ट ये सारी कॉस्ट को ध्यान में रख के हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है जो कंपनी को हेल्प करता है कॉस्ट कटिंग में अगर आपने ज्यादा परचेस कर लिया या ज्यादा रॉ मटेरियल आपने ले लिया तो क्या होगा कि कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं होगा वेस्टेज होगा तो ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के

लेबर कॉस्ट बजट पे बेस है और फैक्ट्री ओवरहेड बजट पे बेस है जैसे मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो पूरा कॉस्ट का पूरा एक फिगर फाइंड आउट करके बजट प्रिपेयर करता है कि रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी फैक्ट्री ओवर है ओवरहेड मीन्स ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के एक्सपेंस ये सारा एड होके पूरी प्रोडक्ट तैयार होती है एक तो मटीरियल का खर्च चा, लेबर का खर्चा फिर फैक्ट्री के एक्सपेंस जो भी है वो सारा ऐड करके एक पर प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड आउट होती है तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हेल्प करता है अल्टीमेटली कॉस्ट कंट्रोल के लिए नेक्स्ट इज अ रॉ मटेरियल बजेट तो रॉ मटेरियल बजे इज ऑल अबाउट रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट दिस बजे शोज द एस्टिमेट क्वॉंटिटीज ऑफ ऑल द रॉ मटीरियल एंड नीडेड फॉर द प्रोडक्शन डिमांडेड बाय द प्रोडक्शन बजट उसका पर्पज क्या है क्यों रॉ मटेरियल बजट बनाना चाहिए तो द दर्पज इज टू परचेजिंग डिपार्टमेंट इन अ प्लानिंग द परचेज हेल्प इन अ प्रिपेरेशन द परचेज बजेट फॉर अ रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जैसे डिस्कस किया हमने कि रॉ मटेरियल ऐसे ही नहीं है कि सुबह हुई सुबह हुई और हम मतलब कोई बजट बनाए बिना कोई प्लान किए बिना रॉ मटेरियल लेके आए तो कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके ही रॉ मटेरियल परचेस करना है जैसे जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाओ क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट कटिंग पे कॉस्ट कंट्रोल करके ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट तक कंपनी पहुंच पाएगी तो रॉ मटेरियल बजट डील्स विद द डायरेक्ट मटीरियल ओवर कॉस्ट बजट डील्स विद द इनडायरेक्ट मटीरियल एंड सप्लाइज तो रॉ मटेरियल बजट जो है वो पूरा एक डायरेक्ट मटेरियल वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएंगे बट डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल का कितना खर्च आ रहा है उस पर फोकस करके रॉ मटेरियल बजट बनाना है तो रॉ मटेरियल बजट क्या है तो डायरेक्ट मटेरियल बजट इज प्रिपेयर्ड विद इंटेंशन टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या आती है उससे फाइंड आउट करने के लिए रॉ मटीरियल बजट हमें प्रिपेयर करना है एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व द क्वांटिटी टू बी यूज एंड द रेट पर यूनिट ओके सो रॉ मटीरियल इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट नेक्स्ट इज अ परचेज बजट वॉट इज परचेज बजे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ परचेज इज ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिडक्शन कॉस्ट इन मैनी कंसर्न दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटीरियल सर्विस इज द परिंग टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी और मनी परचेज बजट में दोनों चीजें आएगी एक तो आएगा क्वांटिटी क्वांटिटी को भी फॉलो करना है कि कितना प्रोडक्शन करना है ये सारी चीजें परचेज बजट में आएगी और दूसरा आएगा मोनेटरी टर्म तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म भी आएगा और मॉनेटरी टर्म इन द टर्म्स ऑफ मनी मीन्स इन द कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है इन क्वांटिटी क्वांटिटी क्वान्टिटी क्वांटिटी पे फोकस करके भी बजट बनाना है और कॉस्ट पर यूनिट उस पर फोकस करके भी बजट बनाना है तो दोनों चीजें आएगी परचेज बजट में परचेज बजट प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ परचेज विच आर प्लान टू बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉस्ट सेविंग परचेज मैनेजर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यहाँ पे मतलब क्या कहने आ, कहना चाहते हैं कंपनी तो परचेज बजट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ परचेज विच आर प्लानेट प्लान टू बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड विच मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस कंपनी की नीड क्या है करंट सिचुएशंस क्या है बिजनेस एनवायरमेंट क्या है ये सारी चीजों का uh, मतलब एनालिसिस करके कहाँ से हम परचेस करेंगे तो कॉस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लेबर मैन पावर जो है उस पर फोकस करके कॉस्ट कटिंग करके कॉस्ट सेविंग करके हमें परचेज परचेज बजट पूरा बनाना चाहिए Uh, जो परचेज बजट क्या है तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉस्ट सेविंग यहाँ से ही कॉस्ट सेविंग हो सकती है क्योंकि आप अगर आपके घर के ही बात करो कुछ परचेस करने आप जा रहे हो तो अगर आप कॉस्ट पे कंट्रोल या बजट नहीं बनाओगे कि मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है बट मुझे थ्री थाउजेंड या फाइव थाउजेंड लिमिट है मेरी फाइव थाउजेंड से ज्यादा मुझे एक्सपेंस करना ही नहीं है मुझे उससे ज्यादा खरीदी करनी ही नहीं है तो एक लिमिट सेट करोगे तो ही आप कॉस्ट सेविंग कर पाओगे तो यहाँ पे कंपनी के लिए भी वही चीज लागू होती है कि अगर आपको परचेस बजट बनाना है तो कंपनी का कंपनी को कॉस्ट सेविंग करनी है प्रॉफिट मैक्सिमम गेन करना है तो परचेज पे कंट्रोल परचेस पे वॉच रखने के लिए आपको परचेस बजट प्रॉपर वे में बनाना चाहिए परचेज मैनेजर जो है उसके पास डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परचेज कोई भी कंपनी का परचेज मैनेजर होगा उसे ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से परचेज करेंगे कितने कितना रॉ मटेरियल परचेस करेंगे कितना एक्सपेंस करने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेबर की कॉस्ट कितनी आने वाली है तो सारी कॉस्ट पे परचेज मैनेजर को वॉच रखनी पड़ेगी और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको ध्यान में रख के ही परचेज हमें बनाना है इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉ मटीरियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेज पूरा स्टॉक जो है वो मेंटेन होना चाहिए अगर स्टॉक खत्म हो जाए उसके बाद ही नेक्स्ट परचेज परचेज का भी पूरा प्लान करना चाहिए कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मच टाइम और आफ्टर हमें कब खरीदी करनी है कैसे परचेज करना है तो ये सारी चीजों को परचेज मैनेजर को ध्यान में रख के अः सारी चीजों को बताना पड़ेगा और कंपनी को परचेज बजे प्रिपेयर करना पड़ेगा नाउ ये जो है बहुत आ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परचेज बजेट वर्सेज रॉ मटेरियल बजट परचेज काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है क्योंकि नाम ही ऐसे कंफ्यूजिव है थोड़े बहुत कि परचेज बजट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बजट एंड रॉ मटेरियल बजट सो परचेज बजट स्पेसिफाई द बोथ क्वांटिटीज एंड रूपीज इन अ मॉनिटरी टर्म्स वाइल रॉ मटेरियल बजट इज यूजली लिमिटेड टू ओनली क्वांटिटीज़ परचे बजट स्पेसिफाई मतलब परचेस बजट जो है उसमें कॉस्ट क्वांटिटी भी आ गई और कॉस्ट भी आ गई मतलब परचेस बजट फोकस इन बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट वाइल रॉ मटेरियल ओनली फोकस इन इनटू क्वांटिटीज परचेस बजट इंक्लूड्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल वाइल गुड्स सेल्स फिनिश गुड्स रीसेल सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी एस्ट्रेट्रा मीन्स परचेज बजे में सारा एक्सपेंस आएगा डायरेक्ट मटीरियल आएगा इनडायरेक्ट मटीरियल आएगा सेल आएगा रीसेल आएगा अदर एक्सपेंसिज आएंगे बट रॉ मटीरियल बजट में खाली डायरेक्ट मटीरियल ही आएगा तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन परचेज बजट एंड रॉ मटीरियल बजे नाउ लेबर बजे वॉट इज लेबर बजट उटवांस लेबर बजेट बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है फायदा कितने लेबर कितना लेबर चाहिए कितना मैन पावर चाहिए अगर मुझे फाइव थाउजेंड यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो मुझे मैन पावर कितना चाहिए तो ये सारी चीजों को ध्यान में के लेबर बजट बनाना पड़ेगा कोई भी कंपनी को लेबर बना लेबर बजट बनाने का पर्पज क्या है तो टू एस्टिमेट द लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू डिटरमाइन द डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ लेबर अवर्स सो द नंबर ऑफ ग्रेज ग्रेड वर्कर्स रिक्वायर टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड जो एचआर डिपार्टमेंट होता है कंपनी का जो जिसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं तो वो एचआर डिपार्टमेंट को ही पूरा मतलब डिसीजन लेना होगा कि अल्टीमेटली लेबर को रिक्रूट तो एचआर डिपार्टमेंट को ही करना है तो एचआर डिपार्टमेंट को ये सारी बातों की प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितना मैन पावर चाहिए मतलब कितने लेवल के कौन कौन से ग्रेड के लेबर हमें हायर करना है क्योंकि जैसा काम वैसा लेबर जैसा काम वैसा मैन पावर तो मैन पावर को डिसाइड करने के लिए मैन पावर के ग्रेड को डिसाइड करने के लिए एच आर डिपार्टमेंट को प्रॉपर उस पर फोकस करके लेबर uh, बजट बनाना पड़ेगा लेबर बजट किस किस चीज़ों में हेल्प करता है तो टू प्रोवाइड द पर्सनल डिपार्टमेंट विद द पर्सनल रिक्वायरमेंट सो दैट इट मे बी प्लान टू रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ एच डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि आगे कंपनी की नीड्स uh, क्या है कंपनी को कितने लेबर्स चाहिए तो अगर लेबर बजट प्रॉपर बनाया होगा तो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज प्रॉपरली हो पाएगी टू प्रोवाइड द डेटा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैश रिक्रूटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजिज क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट भी करना पड़ेगा तो अगर लेबर लेबर बजट प्रॉपर बनाया होगा तो एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज प्रॉपर होगी पेमेंट की प्रोसीजर भी हम प्रॉपर कर पाएंगे टू द लेबर्स टू द वर्कर्स टू टू द मैन पावर To provide the data for managerial cost of labor cost. So, this is all about the purpose of to prepare labor budget. Labor budget represents the forecast of labor requirement to meet the demand of the company during the budgeted period. This budget must be linked with the production budget and production cost budget. Labor budget. Jo hai, वो अल्टीमेटली कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा तो प्रोडक्शन बजट पे भी उसका इफेक्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए ही मैन पावर चाहिए ना हमने अज्यूम किया कि इतना सेल करना है इतना प्रोडक्शन करना है बट प्रोडक्शन करने के लिए तो लेबर ही चाहिए मैन पावर ही चाहिए तो प्रोडक्शन बजट भी उससे इफेक्ट होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी लेबर बजट से लिंक uh, होगा उससे इफेक्ट होगा नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड बजट The manufacturing overhead budget it includes the direct material, direct labor, indirect expenses. The production overhead budget represents the estimate of all the production overhead. Production overhead means all type of indirect expense means at the time of production. कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उस टाइम पे किस किस प्रकार के एक्सपेंस होने वाले हैं तो ये सारा जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में अगर प्रॉपर हमें बनाया होगा तो कंपनी आइडेंटिफाई कर पाएगी कि, कि किस किस प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी में हो रहे नेक्स्ट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा तो कंपनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी तो ये प्रॉपर एक पूरी चैनल है सबसे पहले क्या होगा तो फर्स्ट इज अ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट उसके बाद लेबर बजट लेबर बजेट के बाद लास्ट में सेल आएगा तो सेल आएगा तो, सेल तो, सेल तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट बनेगा द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजेमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सेलिंग एडवर्टाइजिंग डिलिवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एटसेट्रा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम क्या है तो सबसे पहले तो सेल बजे सेल्स बजे हमने बना लिया कि कंपनी इस साल में इतना प्रोडक्शन करेगी वन थाउजेंड यूनिट का प्रोडक्शन करेगी बट सेलिंग करने के लिए सेलिंग डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से ही कंबाइन है क्योंकि गुड्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एडवर्टाइज सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करके उसकी एडवर्टाइज करेंगे जितनी एडवर्टाइज करेंगे प्रॉपर वे में करेंगे स्ट्रेटेजी बना के करेंगे उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एडवर्टाइजिंग भी करनी है फिर गुड्स uh, को डिस्पैच करना है पूरा पैकेजिंग डिपार्टमेंट फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो थ्रू आउट द बजट पीरियड क्लोजली असोसिएटेड विद द सेल्स बजट इन द लॉजिक दैट सेल्स फोरकास्ट द सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस टू द फोरकास्ट टू दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में किस किस प्रकार के खर्च होने वाला है कितने एक्सपेंस होने वाला है ये सारा हमें बना आ, सारी चीजें आएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट में पूरी कॉस्ट आएगी कि एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार का एक्सपेंस होगा तो ये सारा डिटेल आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट में नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट द बजेट इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर द नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी लाइक डिरेक्टर्स फी मैनेजिंग डिरेक्टर्स सैलरी ऑफिस लाइटिंग हीटिंग एयर कंडीशनिंग कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी चला चलाने के लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही तो नहीं होगा उसका भी कॉस्ट लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने के लिए किस किस प्रकार के एक्सपेंस तो एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने डिरेक्टर्स की फ़ी मैनेजिंग डिरेक्टर्स की फ़ी सैलरी जो एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइटिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल एयर कंडीशनर हीटिंग एक्सपेंस, तो ये सारे फॉर एग्जाम्पल है बट एडमिन में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं तो ये एडमिन की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बजट बनाना पड़ता है कंपनी को द बजट रिप्रेजेंट जो एडमिन बजट है वो क्या तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया वही है कि फॉर uh, एग्जाम्पल इतने इतने एक्सपेंसिस कंपनी में होता है एट द टाइम ऑफ कंपनी जो है प्रॉपर चलाने के लिए तो एडमिन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट द बजट स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ बजेड पीरियड दिस बजट इज नॉर्मली प्रिपेयर फॉर द लॉन्गर पीरियड देन द अदर फंक्शनल बजट कैपिटल कंपनी के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है तो जो है यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इज इंक्लूडेड इन द बजेट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक न्यू बिल्डिंग परचेज मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इंटेंजिबल आइटम्स लाइक पैटर्न दिज ऑल आर इक्वल दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कंपनी को प्रिपेयर करना होता है एंड द लास्ट वन इज कैश बजट। कैश बजट इज द स्केच ऑफ द बिजनेस एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कैश बजेट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द लास्ट टू बी प्रिपेर कैश बजेट क्या है तो कैश बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्टली टू प्रिपेयर सबसे पहले सेल्स बजट से हमने स्टार्ट किया कि सेल्स बजट बनाएंगे फिर प्रोडक्शन बजट बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट देन परचेज बजट देन रॉ मटेरियल बजट देन लेबर बजट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड इन द लास्ट कंपनी शुड प्रिपेयर द कैश बजेट कैश बजट प्रिपेयर करने से क्या होगा कि कंपनी के सारे इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस जो भी खर्च है और जो भी इनकम है जो कैश में है वो सारी हमें पता चलेगी अजमशन एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैश बजट बनाने से कंपनी को बजटेड यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि द बजट इन द ऑल बजट इन डिटेल एस्टिमेटेड द कास्ट रिसिप्ट फ्रॉम द ऑल सोर्सेज एंड पेमेंट्स फॉर द ऑल परपजेज पेमेंट एंड रिसिप्ट का पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन आएगा कैश बजट में इट मेक्स अ सर्टन दैट द बिजनेस टू द मीट इट द नीड्स व्हेन दे अराइज इट कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द साइड ऑफ द बिजनेस कैश बजट है वो पूरा कैश पे कंट्रोल करेगा हेल्प्स करेगा कैश कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल साइड को मजबूत बनाने के लिए कैश बजट हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट करेगा कंट्रोल करेगा

फंक्शंस क्या है कैश बजट के फंक्शंस तो इट मेक श्योर दैट इनफ कैश इज अवेलेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड अगर कंपनी के पास इनफ कैश है कि नहीं है वो, आ, वो कैश बजट शो करता है इट डिजाइन द कैश एक्सपेंसिज एंड शॉर्टेज दैट वो आगे से मतलब प्रेडिक्शन करता है कि शॉर्टेज कैश की शॉर्टेज है कि नहीं है प्रॉपर वे में सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है मे बी टेकन इन द टाइम टू इन्वेस्ट एनी एक्सेस कैश और टू बोरो फंड बोरो करने की जरूरत है कि नहीं है इनफ कैश है कि नहीं है ये सारी चीजें Uh, ये सारी चीजें कैश बजट में शो होती है इट शोज द वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड बी फाइनेंस करेक्ट इंटरनली इट प्रोवाइड द फंड फॉर द स्टैंडर्ड ग्रोथ फंड प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड ग्रोथ के लिए इट प्रोवाइड द साउंड बेसिस टू मैनेज कैश पोजिशन तो ये सारे फंक्शंस है कैश बजट के सो आई होप ये सारे टाइप्स

वो कंपनी को फैक्ट्री को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको हेल्प करता है टू डिटरमाइन एंड टू अचीव द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट करने के लिए कंपनी का गोल कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए हेल्प्स करती है तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स बजट है सो uh, so, आज हमने देखा पूरा क्लासिफिकेशन classification of budget uh, in the according to time according to flexibility and according to function in the next lecture we are all, uh, going to discuss uh, zero based budgeting and other uh, also important topic also so i hope these all are useful information for you my dear students thank you <laughs>